Assalamu alaikum friends, I am your instructor Ramin Hashmi and I am very much fine, alhamdulillah. And I hope you all will be fine. So before going into detail of this video or lecture, let's first remind what we have covered in our previous lecture. So, in the previous lecture, we have discussed HTML basic page structure. We have discussed the most important tags that must be included in every HTML page. We have also discussed uh, the paragraph tag or heading tag. These are not the most basic tags, but we have discussed these also. So, in today's video, what we are going to start? We are going to start a lecture, but that is somehow related with the previous lecture. So, we are going to start. एस टी एम एल हैडिंग एंड एस टी एम एल पैराग्राफ्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास हैडिंग्स सिक्स टाइप्स की होती हैं आज हम देखेंगे वो सिक्स टाइप्स की हेडिंग किस तरीके से होती हैं उनके डिफरेंट टैक्स कैसे होते हैं इसके अलावा हम लोग उनको प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे प्रैक्टिकली उनका आउटपुट ब्राउज़र में डिस्प्ले करवा कर देखेंगे किस तरीके से उनमें डिफ्रेंस आ रहा है सिक्स हेडिंग्स किस तरीके से होती हैं इसके अलावा हम लोग पैराग्राफ्स देखेंगे पैराग्राफ का एक टैग हमने कल पढ़ा था बट देयर आर टू टैग्स विच आर यूज फॉर पैराग्राफ्स तो पैराग्राफ़ के लिए दो टैग्स यूज़ होते हैं एच के अंदर सो so हम उन दोनों टैग्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ओके सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ सो एच टी एम एल हैडिंग्स आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी कुछ स्टडी वेबसाइट्स देखी होंगी आपने देखा होगा वहाँ पे हैडिंग्स होती हैं ठीक है अब उन हैडिंग्स को आप किस तरीके से एच टी एम एल में इम्प्लीमेंट करते हो वो हमने थोड़ा बेसिक में हमने कल देखा था हम एच वन टैग यूज़ करके हेडिंग्स जो है अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवा रहे थे अपने ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवा रहे थे ठीक है जी तो so, आज हम बता रहे हैं कि एच टी एम एल की जो हैडिंग्स होती हैं वो सिक्स टाइप्स की होती हैं अब वो सिक्स टाइप्स की हडिंग किस तरीके से होती हैं कौन से डिफरेंट टैग्स उनको हम लोग यूज करते हैं हेडिंग्स के लिए वो हम आज देखेंगे सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है लेट्स रीड दिस एच टी एम एल हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज सो so, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एस टीम एल हैडिंग्स क्या होती हैं ये टाइटल होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भाई आपने कोई पैराग्राफ लिखा है अगर इंग्लिश के ऊपर आपने इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज अगर आपने ये एक टाइटल है इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है या इसके ऊपर एक ऐसे लिखा है ठीक है तो इंग्लिश इज़ एन इम्पॉटेंट लैंग्वेज दिस इज़ अ टाइटल ठीक है तो हम क्या कहते हैं एस टीम एल हेडिंग्स होती क्या हैं ये टाइटल्स होते हैं और सब टाइटल्स होते हैं जो कि आप डिस्प्ले uh, करवाते हो किसी भी वेब पेज के ऊपर अब वो डिस्प्ले किस तरीके से करवाते हो वो टैक्स की ज़रूर करवाते हो हमने कल h1 टैग देखा था जो कि लार्ज हेडिंग थी ठीक है हमारे पास सिक्स टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं आज हम उन सबको देखते हैं ठीक है जी सो so, हम लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ सो दीज आर सिक्स टाइप्स ऑफ हेडिंग्स दैट वी यूज इन html ठीक है जी अब देखें सबसे पहले हमने कल कल क्या देखा था कल हमने देखा था ये हेडिंग देखी थी h1 टैग यूज कर रहे थे हम लोग इस हेडिंग के लिए इसको फिर से एक दफा मैं आपको uh, दिखा दू रन करके ठीक है जी सेफ uh, हमारे पास ये ऑलरेडी है ठीक है सो लेट्स रन दिस ओके सो एज यू कैन सी हेयर दिस इज द हेडिंग दैट वी इम्प्लीमेंट इट यस्टडे इन यस्टडेज़ टॉपिक ओके सो माई फर्स्ट हैडिंग दिस इज़ द लार्जेस्ट हैडिंग तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एच वन टैग यूज़ करते हैं फॉर हैडिंग्स ठीक है हमने ये कल देख लिया था अब मैं आपको बता रही हूँ हेडिंग्स जो होती है ना वो सिक्स टाइप्स होती हैं अब जो सिक्स टाइप्स ऑफ हेडिंग्स हैं सिक्स इसकी टाइप्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है डिफरेंट मैंने आपको बताया था कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ मोर इम्पॉर्टेंट होती हैं मोर इम्पॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हेडिंग होती है एच वन जिसके लिए एच वन टैग यूज़ करते हैं वो सबसे साइज़ में बड़ी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है लाइक like, अगर आपने मतलब एक टाइटल देना होता है ठीक है उसका इसके अलावा आपने कोई शॉर्ट सा टाइटल देना होता है मतलब उसकी जो फॉन्ट होता, थोड़ा छोटा होता है ठीक है सब टाइटल देना होता है तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट हेडिंग्स को यूज करते हैं अब सिक्स टाइप्स ऑफ हेडिंग्स के लिए हम लोग जो है जो लाइक अगर एच uh, की बात करें तो एच जो है वो एच से थोड़ा छोटा होगा एच टू एच थ्री जो होगा वो एच टू से थोड़ी उसकी फॉन्ट साइज छोटी होगी एच फोर जो होगा वो एच थ्री से थोड़ा छोटा होगा एच फाइव जो होगा वो एच फोर से थोड़ा छोटा होगा इसी तरह ही चलता रहेगा सो so, मैं आप इन सब को मैं इन सब को आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं क्या कह रही हूँ ठीक है जी लेट्स कॉपी दिस हम इसी के अंदर इसको हम लोग कर देते हैं रिमूव ओके okay. और इसको हमने पेस्ट कर दिया अब ये मैंने दिखा दिया है आपको एच वन इज़ यूज फॉर लार्ज हेडिंग एच टू टैग यूज़ कर रहे हैं हम लोग हेडिंग टू के लिए ये सिक्स टाइप्स ऑफ हेडिंग है दैट वी यूज इन एच टी एम एल सो अब हम इसको करते हैं सेफ ठीक है जी अब कर लेते हैं हम अपना ब्राउज़र ओपन रीलोड कर रही हूँ वन सेकेंड आई थिंक ये सेव नहीं हुआ मैंने सेव नहीं किया फिर से इसको सेव करते हैं हम लोग फर्स्ट डॉट एच टी एम एल यस ओके सो लेट मी चेक मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है अगर एच टी एम एल क्लोज किया बॉडी स्टार्ट की हैडिंग्स नो इट्स ऑल फाइन तो लेट्स गो टू द ब्राउजर अगैन बट वाई इट्स नॉट शोइंग मी दिस ओके 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 आई फाउंड माई मिस्टेक एक्चुअली मैं फ़ाइल कोई और ओपन कर रही थी और जो है जिस फाइल में मैं काम कर रही हूँ उसका नेम है फर्स्ट डॉट एच टी एम एल सो डेस्क टॉप पर जाकर हमने फर्स्ट डॉट एच टी एम एल फाइल को करना है ओपन सो so, ये रहा हमारा डेस्क टॉप और यहाँ पर ये रही फाइल सो लेट्स ऑपन इट सो हेयर वी आर सो आप देख सकते हैं वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्स टाइप्स ऑफ हैडिंग दैडिंग मन इज़ ऑफ एच वन टैग एच टू टैग एच थ्री एच फोर एच फाइव एंड एच सिक्स जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है वो ये होती है जो लार्ज हेडिंग है इसकी वजह से मैं इसको एच वन को लार्ज हेडिंग के लिए बोल रही थी एज यू कैन सी हेयर दिस इज़ एच हेडिंग वन एंड ये लार्ज हेडिंग है जो कि एच वन टैग के, के थ्रू बनी है इसी तरह ये एच टू टैग के थ्रू बनी है ये एच थ्री टैग के थ्रू बनी है एच फोर के थ्रू बनी है एच फाइव टैग के थ्रू बनी है एंड ये एच सिक्स टैग के थ्रू बनी है ठीक है जी सो so, uh, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि हेडिंग्स किस तरीके से होती हैं फोर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पैराग्राफ और नो दिस इज नॉट हाँ तो आप देख सकते हैं देखें अब ये वॉट इज़ अ पैराग्राफ दिस इज़ अ टाइप ऑफ हेडिंग और ये लार्ज हेडिंग है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ठीक है जी तो इसको फिर अगर हमें ऐसी हेडिंग कोई बनानी होगी तो वो एच वन टैग के थ्रू करेंगे और फिर ये पैराग्राफ है पैराग्राफ आपको पता है किस टैग के थ्रू हम बनाते हैं ठीक है जी इसके अलावा है हमारे पास अब देखिए ये जो एयरिंग है ये इतनी मतलब ये थोड़ी

डिफरेंस आ रहा होता है इंपॉर्टेंस का डिफरेंस आ रहा होता है जो लार्ज हेडिंग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए एच सिक्स टैग हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल हर टैग का मैंने आपको बताया था एक ओपनिंग टैग होता है एक क्लोजिंग होता है फॉर एग्जाम्पल एच वन इज एन ओपनिंग टैग हेडिंग वन इज एन हेडिंग जो हम अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई और हेडिंग देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ हेडिंग बुक ठीक है जी सो so, मैं यहाँ पे uh, लिख रही हूँ बुक बुक वन इसी तरह सब जगह मैं कर रही हूँ चेंज तो इसी तरह मेरी हेडिंग्स भी होती जाएंगी चेंज ये हो जाएगी बुक टू बुक फाइव ओकेट सेव दिस कंट्रोल एक्सप्रेस करके हम लोग जो है सेव कर सकते हैं ओके सो फिर से हम लोग ब्राउजर ओपन करते हैं एंड लेट सी दउटपुट माई पेज ओके सो एज यू कैन सी हेयर दिस इज द आउटपुट बुक वन इसका फॉइंट साइज देख लें आप ये थोड़ी लार्ज हेडिंग है बुक टू बुक थ्री बुक फोर बुक फाइव बुक सिक्स सो दीज आर दिक्कस टाइप्स ऑफ हैडिंग्स दैट वी यूज इन एच टी एम एल सो आपको बेसिक डिफ्रेंस समझ आ गया होगा सो so, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ अब हम लोग देखते हैं हम लोग पैराग्राफ किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं और पैराग्राफ का बेसिक मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पैराग्राफ्स होते हैं पी टैग के थ्रू करते हैं इसके अलावा देर इज़ आल्सो वन एन अध अदर टैग विच इज़ इज़ आल्सो यूज फॉर पैराग्राफ सो वो भी पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आज डिस्कस करते हैं ओके सो लेट्स गो टू द स्लाइड्स, ओके? सो हेडिंग्स हमारा कवर हो चुका है आई होप यू आपको समझ आ गया होगा सो एचटीएमएल एल पैराग्राफ सो द एचटीएमएल एल पी एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पी टैग हम लोग पैराग्राफ uh, के लिए यूज करते हैं इसी तरह पी टैग जो होता है इसका एक ओपनिंग टैग होता है एंड इसका एक क्लोजिंग टैग होता है फिर ओपनिंग uh, और क्लोजिंग के दरमियान हम अपना जो कंटेंट होता है जो हमें टेक्स्ट uh, है वो लिखना होता है वो उनके बीच में लिख देते हैं ओके okay? तो so, इस तरह हमारा पैराग्राफ बन जाता है अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन अच्छा अब क्या होता है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एच के अंदर एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक होते हैं इन लाइन एलिमेंट्स जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पैराग्राफ है अब पैराग्राफ का ये बता रहा है पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन ये हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है ठीक है जी लेकिन कुछ इन लाइन होते हैं वो हमेशा सेम लाइन पर रहते हैं मतलब वो लाइन ब्रेक नहीं करते वो डिफरेंट लाइन से स्टार्ट नहीं करते वो सेम लाइन पर रहते हैं ओके okay? तो ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और इन लाइन लेवल इन लाइन एलिमेंट्स होते हैं जो पैराग्राफ है दैट इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन इन लाइन बिकॉज इट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड वाइट स्पेस अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ ब्राउज़र क्या करता है ऑटोमेटिकली स्पेस एड कर देता है पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में ठीक है जी सो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ ओके सो आपने कल देखा था पैराग्राफ्स के लिए हम पी टैग यूज़ करते हैं ये एंगुलर ब्रैकेट हैं एंगुलर ब्रैकेट्स वेन एवर एनी थिंग दैट इज़ सराउंडेड बाय द एंगुलर ब्रैकेट दैट बिकम अ टैग सो दिस इज़ अ टैग बट एवरी थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ओपनिंग टैग कंटेंट एंड देन क्लोजिंग टैग देन इट बिकम्स एन एलिमेंट सो ये एक कंप्लीट पूरा ये एक पैराग्राफ का एलिमेंट है बट ये क्या है ये सिर्फ पैराग्राफ का एक टैग है ओके okay? सो so, अब हम देखते हैं कि ये टैग ये किस तरीके से काम करता है लेट्स कॉपी दिस एंड यहाँ पे हम इसे इस वाले पैराग्राफ को हटा देते हैं हम और इसको करते हैं पेस्ट सो so, पैराग्राफ का पी टैग लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐसे ही लिखा हुआ है अगर आप चाहते हैं मैं इसको हटा दूँ तो चले मैं कोई और टेक्स्ट ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छा जी अब ये पैराग्राफ का टैग्स है आप देख सकते हैं अब इसमें मैं कोई भी टैग अच्छा मैं कोई भी टेक्स डमी टेक्स यहाँ से ले सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से ये डमी टेक्स उठा रही हूँ ठीक है जी मैंने किया कॉपी और इस डमी टेक्स को मैंने इन टेक्स के दरमियान में कर दिया पेस्ट ठीक है जी कंट्रोल ऐसे किया मैंने सेव नाउ लेट्स ओपन द ब्राउजर एंड सी द आउटपुट ओके सो दिस इज माय पेज एंड एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द आउटपुट सो ये एक पैराग्राफ बन गया हमारे पास देखिए पैराग्राफ से जो पहले है वहाँ पर भी स्पेस है पैराग्राफ के बाद में भी ऑटोमेटिकली स्पेस एड कर देता है ठीक है जी क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है इट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन ओके सो लेट्स गो टू द पावर पॉइंट स्लाइड्स ठीक है जी हम इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं प्रिंट ओके वेयर इज नॉट बैड हियर सो अब एक और पैराग्राफ हम बना रहे हैं इसको करते हैं पेस्ट कंट्रोल एस करते हैं एंड देन ओपन करते हैं अपना ब्राउजर इसको रिलोड करते हैं सो दिस इज द पैराग्राफ ओके माई बॉनी Elias over the ocean oh bring back my bony to me so ye bhi ek paragraph ban gaya okay so let's go to the powerpoint slides uh, as i told you before there is also one another tag that is also we used for paragraph that is a pre tag pre element okay सो दिस इज द प्री एलिमेंट द एस टी एम एल प्री एलिमेंट आल्सो डिफाइन पैराग्राफ ये भी पैराग्राफ को डिफाइन करता है अच्छा तो ये भी पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं एंड पी टैग भी पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टैग्स लाइक पी बी टैग में और प्री टैग में दोनों में क्या डिफरेंस है सो so, उसका डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं हम इसको करते हैं इम्प्लीमेंट इसकी करते हैं कोडिंग ओके सो यहाँ पे हम बनाते हैं एक प्री टैग लिखते हैं यहाँ पे ठीक है जी सो so, मैंने लिखा यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लेफ्ट का उसके बाद प्री हो गया जी राइट एंगुलर ब्रैकेट इसके अलावा इसका भी हमारे पास एक वो होगा जो ए, ए, एंडिंग टैग होता है एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग सो तो हमारे पास प्री का भी क्लोजिंग टैग है सो so, ये हमने लिखा क्लोजिंग टैग इसका सिंपल फॉरवर्ड स्लैश कर दिया दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ओके okay. तो so, अब यहाँ पे भी हम कोई डमी टैक्स उठा देते हैं सो so, मैं यहां से कोई टैग uh, उठा रही हूँ okay. चलें जी चलें ऐसा करते हैं ये ही डमी टैक्स उठा देता है अच्छा अगर मैं सेम डमी टैक्स उठाऊंगी तो आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा चले मैं इसी को करके देखती इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसमें मैं लाइन ब्रेक्स डाल रही ठीक है ऐसे करके लिख रही हूँ ठीक है सेम पैराग्राफ है उसको मैंने क्या किया एक ही लाइन में लिखा ठीक है इस तरीके से मैंने उसे ए, एक लाइन में लिखा था लेकिन एक लाइन में लिखने के बावजूद जो ब्राउजर है उसने क्या किया देखिए मैंने सेम लाइन पे लिखा था लेकिन ब्राउजर ने क्या किया जब लाइन एंड हो गई तो उसने न्यू लाइन से स्टार्ट कर दिया ठीक है जी ये पैराग्राफ पी टैग की बात कर रही हूँ जबकि मैंने उसे एक ही लाइन पे लिखा था लेकिन प्री के अंदर मैं क्या कर रही हूँ उसे मैंने लाइन ब्रेक करके डिफरेंट लाइन में लिखा है तो दोनों में क्या डिफरेंस है लेट्स ई दिस कंट्रोल एस करके इसको सेव करते हैं और हम चलते हैं ब्राउजर पर सो so, ये आ गए हम ब्राउजर पे लेट्स रीलोड दिस ओके तो एज यू कैन सी द डिफरेंस सो so, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि क्या है सो so, आप डिफरेंस देख सकते हैं इसको जो सेकंड वाला प्री टैग मैंने यूज़ किया था उसमें मैंने जिस तरीके से लिखा वो उसी तरीके से मुझे शो करवा रहा है जितनी स्पेस मैंने दी वो उतनी ही स्पेस दे रहा है उसने अपनी तरफ से कोई लाइन ब्रेक नहीं किया जिस वे में मैंने लिखा वो मुझे वैसे ही दिखा रहा है लेकिन जो पी टैग था पैराग्राफ का पी टैग ये था प्री वाला ये पी टैग जो था इसमें मैंने क्या किया था इसमें मैंने सिंगल लाइन में लिखा था लेकिन जैसे ही लाइन ख़त्म होती है तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर आ जाता है सॉरी आजान हो रही है थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं ओके जी सो लेट्स कंटिन्यू सो मैंने आपको दिखाया था कि पी पैराग्राफ के लिए हम लोग टू टाइप्स ऑफ टैग्स यूज़ करते हैं एच टी एम एल के अंदर एक होता है पी टैग और एक होता है प्री टैग सो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि पैराग्राफ में क्या होता है कि अगर आपकी लाइन ख़त्म हो जाती है तो वो लाइन ब्रेक कर देता है और न्यू लाइन से स्टार्ट कर देता है प्री में ये होता है कि आप जिस वे में आप पैराग्राफ लिखते हो जितनी स्पेस आप देते हो वो खुद से लाइन ब्रेक कुछ भी नहीं करता वो एज इट इज आपका डिस्प्ले करवा देता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ उस तरह आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा सो लेट्स गो टू द पावर पॉइंट स्लाइड्स मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल कोड की है लेट्स डिस्कस दिस सो दिस इज अ पी टैग ओके कॉपी करते हैं ब्राउजर में जो है इन सबको हटा देते हैं अभी हम फॉर नाव इनको हटा रहे हैं ठीक है जी सो so, इसको करते हैं ब्राउजर में पेस्ट नाव लेट्स गो टू द पावर पॉइंट स्लाइड्स अगेन एंड टेक दिस प्री एलिमेंट एंड पेस्ट ओके जी सो so आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्री पी टैग लिया है और मैंने यहाँ पे प्री लिया है दोनों में मैं कोई डिफरेंस रखना नहीं चाह रही ठीक है जी अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सो so अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है मतलब दोनों की इस सेम वे में मैंने लिख दिया है फिलहाल मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा लेकिन जब मैं ब्राउजर में देखूंगी उसका आउटपुट डिस्प्ले करवाऊंगी देयर मस्ट बी अ डिफरेंस जो कि आपको नजर आएगा ओके सो लेट्स कंट्रोल एंड ओपन द ब्राउजर एंड लेट्स रिलोड इट सो नाउ आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है दिस इज अ पी टैग एंड दिस इज़ अ प्री टैग पी टैग में क्या हो रहा है कि वो सेम लाइन जब तक ख़त्म नहीं होगी वो न्यू लाइन पर नहीं जा रहा भले ही मैंने उसे दूसरी लाइन में कर ले कर, करके लिखा है एज यू कैन सी हेयर मैंने उसे डिफरेंट लाइन में करके लिखा है बट वो उसी लाइन से कंटिन्यू कर रहा है क्यों जब तक एक लाइन वो ख़त्म नहीं होगी ब्राउज़र न्यू लाइन नहीं स्टार्ट करेगा बट प्री टैग में क्या हो रहा है जिस वे में मैंने लिखा है वो उसी वे में मुझे ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवा रहा है सो दिस इज़ द प्री टैग एंड दिस इज़ पी टैक ओके सो अगर अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है सो so, आज हमने पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स कौन कौन सी होती हैं एंड वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स एच वन से लेकर एच सिक्स हम लोग टैग्स यूज़ करते हैं हेडिंग्स के लिए उनमें क्या डिफरेंस होता है कौन सी लार्ज हेडिंग होती है एंड कौन सी हेडिंग जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो एच सिक्स टैग के थ्रू बनती है इसके अलावा हमने पढ़ा कि पैराग्राफ्स जो हैं उनको एच टी एम एल में रिप्रेजेंट करने के दो टैग्स होते हैं एक होता है पी टैग और एक होता है प्री टैग दोनों में हमने डिफरेंस देखा प्री टैग में ये होता है कि आप जिस वे में जितनी स्पेस आप दोगे उस जिस हिसाब से आप लिखोगे वो उसी वे में आपको ब्राउज़र पर डिस्प्ले एगा बट पी टैग में ऐसा नहीं होता पी टैग में जब तक न्यू लाइन स्टार्ट नहीं होती जब तक आपकी एक लाइन खत्म नहीं होती उसके बाद ही लाइन ब्रेक होती है और न्यू लाइन में टेक्स्ट आता है सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई वॉन्ट टू कवर इन टूडेज लेक्चर सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ योर क्वेरीज़ एंड आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज़ सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस द बेलकन अल्लाह हाफिज तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा लेट्स मीट टुमारो इन इन द Tomorrow's video lecture. Okay, so I'm stopping the recording here. Allah Hafiz.